इस वीडियो में हम ई आधार को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ई आधार का पीडीएफ है जो कि लॉक है। सबसे पहले इसे अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है अनलॉक पीडीएफ, अनलॉक पीडीएफ। उसके बाद इंटर पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप जाइएगा, यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है और अपना ई आधार का जो पीडीएफ है उसे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे ओपन करेंगे। ई आधार का जो पासवर्ड होता है वो उस व्यक्ति के नाम के फर्स्ट 4 डिजिट और उस व्यक्ति का डेट ऑफ ईयर होता है। जैसे कि ये सत्यम कुमार का आधार कार्ड है, यहाँ पे इसे अनलॉक पीडीएफ पे जाएंगे और पासवर्ड में आपको लिखना होगा सत्यम का SATY 4 डिजिट और अपने ईयर लिखना है, अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो चलिए 2002 मेरा है तो 2002 लिखेंगे, SATY 2002। तो चलिए इसे यहां से पहले रिमूव करेंगे, कैपिटल में लिखना है तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं SATY, उसके बाद अपना डेट ऑफ ईयर, उसके बाद यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अनलॉक पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ये जो पीडीएफ डाउनलोड हुआ है ये अनलॉक पीडीएफ हो गया है, इसमें अब कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ये अनलॉक हो गया। अब ये पीडीएफ में है, इसे सबसे पहले जेपीजी फॉर्मेट में लाएंगे। उसके लिए फिर आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे सर्च करना है आपको पीडीएफ टू जी जेपीजी। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट अपना पीडीएफ करना है। तो चलिए हम अपना पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओपन करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू जेपीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो पीडीएफ है हमारा वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा पीडीएफ था वो जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो गया है। चलिए दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आ गया है। अब इसे प्रिंट कैसे करना है वो भी आधार कार्ड के फॉर्मेट में, तो चलिए वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसे हम फोटोशॉप पे ओपन करेंगे। तो चलिए हम इसे फोटोशॉप पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसे थोड़ा नीचे करेंगे। अब इसे क्रॉप टूल से क्रॉप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसे क्रॉप कर लेते हैं, ये पूरा पोर्शन हमें प्रिंट करना है। तो चलिए इसे पूरा अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे या इंटर पे प्रेस करेंगे। तो ये इतना सा हो गया। अगर आप इसे थोड़ा सा ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है, एडजस्टमेंट, यहाँ पे कर्व्स का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस एम भी डायरेक्टली दबा सकते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा ब्लैक करना है, व्हाइट करना है, जैसे रखना है रख सकते हैं। फिलहाल हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। उसके बाद इसे छोटा करना है, उसके बाद फाइल में जाना है, आपको एक नया पेज लेना है। तो चलिए हम एक नया पेज लेते हैं, A4 साइज का ही हम रहने देंगे। ओके करेंगे, ये हमारा एक पेज आ गया है। इसी पेज पे हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मूव टूल पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर मूव टूल पे जाएंगे, यहाँ से इसे उठा के इस वाले पेज पे रख देंगे। उसके बाद जो भी काम करेंगे इस पेज पे करेंगे। इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो चलिए यहाँ से कंट्रोल प्लस टी को दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट को दबाते हुए अपने माउस से इसे ड्रैग करके इधर थोड़ा सा खींचेंगे, उसके बाद इधर थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा इसे और बड़ा करेंगे, शिफ्ट दबा के आपको खींचना है। तो चलिए ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद इंटर पे प्रेस करेंगे, उसके बाद इसमें हमें स्ट्रोक लगाना है, ये चारों तरफ स्ट्रोक लगाते हैं। उसके लिए आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे स्ट्रोक है, इस पे क्लिक करेंगे, 4px का रहने देते हैं, ब्लैक का, चलिए हम इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, तो देखिए ये एक तरह से बॉर्डर पड़ गया है चारों तरफ से, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए।
उसके बाद सिंपल यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पेपर कौन सा है तो चलिए हम इंकजेट पेपर देते हैं, प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल रखना है या हाई रखना है तो चलिए हम हाई रखते हैं, पेपर साइज A4 हो जाएगा, कलर्ड में आएगा, पोर्ट्रेट है, ये सब सेटिंग ऑटोमेटिक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम पेज सेटअप कर लेते हैं अपने प्रिंटर का। तो हमने अपने प्रिंटर में A4 साइज का पेपर डाल दिया है, अब यहाँ सिंपली ओके करेंगे और हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंटिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आधार कार्ड का प्रिंट निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा आधार कार्ड प्रिंट हो गया है, इसे अब कैची की मदद से कट कर लेंगे। तो हमने अपने आधार कार्ड को यहाँ पे कट कर लिया है, अब इसे यहाँ से मोड़ के आप लेमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने आधार कार्ड को पाउच में रख दिया है, ये पाउच आपको सिंपली मार्केट में मिल जाएगा और हमारा लेमिनेटर यहाँ रेडी है, हम इसे यहाँ पे लेमिनेट करेंगे। तो चलिए ये लेमिनेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये धीरे धीरे आ रहा है। तो ये हमारा आधार कार्ड रेडी है यूज करने के लिए, देख लीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।